बड़े बड़े लोगों का संडा उठाते, हम कचरा उठाते, उनका जमीन में थूक के जाते हैं, सब उठाते सर। ये कुत्ता काटते, नाली में गिरते, सब करते सर। उत्ते कई का वास्ते करते सर, हम पेट का वास्ते करते। ये तनखा भी सही नहीं दे रहे, यकीन है सर। हमारा बच्चे मरे, बाल मरे, मर्द मरे, सब इसमें का चारा ना भाग मरे। मगर भी ऑफिस तरफ स्ट्राइक बैठे तो भी 3 जन मरे सर, उधर बैठे जागे सस मरे, मगर भी नहीं ले रहे वो लोग परमिट। अभी भी इतना जन में आधा मरे तक, हम मरने तो मरने दे, हमारे बच्चे को तो सही होते। हम मरे तो मरे, इधर बैठ बैठ के हम मरने तो मरने दे सर, हमारे बच्चे को तो साल होते बोल के हम ये कर रहे सर। हमारे को ये सरकार परमिट देना, हम देने तक नहीं उड़ते सर। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय मनूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हाईली क्वालिफाइड एंड वेल एक्सपीरियंस डॉक्टर्स टीम फॉर इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर 24/7 एट बारे हिल सर्कल रिंग रोड गुलबर्गा। पच्चीस साल से काम करते आ रहे हैं। पहले हम काम करने का टाइम, हम कब भर्ती हुआ, जब से हम मुस्लिम एरेमेज करे, वो लोग को चरंडी को वो लोग नहीं दिए, खाली नाली को दिए सहे। वो पूरा हम सिर का ऊपर उठा के हम लेके जाके फेंके सर। 25 साल में पहले हम भर्ती हुए थे, 500 पगार थे। 500 में कितने देते थे हमको, 200-300 देते, हम कई का वास्ते करें। मगर आज नहीं तो कल हमको क्या तो परमिट होंगे, हमारा हाल साल होंगे बोल के हम करे सर। अब तक परमिट नहीं दिए ये लोग, अब हम परमिट करने तक ये सही तनखा नहीं देते ये लोग। अब 2-3 साल में आया उनको परमिट देते बोलते, उनको भी दो, हम नहीं नहीं बोल रहे, वो भी हमारा लोग है, गरीब लोग है, सब गरीब लोग है सर, गरीब लोग है बोल के सबका, इनका बड़े बड़े लोगों का संडस उठाते, हम कचरा उठाते, उनका थूक जमीन में थूक के जाते हैं, सब उठाते सर। ये कुत्ता काटते, नाली में गिरते, सब करते सर। उत्ते कई का वास्ते करते सर, हम पेट का वास्ते करते। ये तनखा भी सही नहीं दे रहे, अगर परमिट देना हो हम देने तक नहीं उठते सर। इधर से तनखा बराबर देना वो लोग, कितने ठहरे तभी 10 तारीख तनखा देना वो लोग। अब परमिट होना सर, परमिट होने तक हम इधर उठते नहीं, हम जाते नहीं। इसके अंदर आधा भाग मरे तो भी हम नहीं उठ सकते, हमारा को बस हुआ सब। ये लोग को देख के हमारा बस हुआ। अभी कितने साल से काम कर रहे हो आप? हम 25 साल से कर रहे सर। ये लोग पूरा ये कितने जन है ना सर, उतने जन पूरा 25 साल से हम काम कर रहे हैं। यकीन है सर, हमारा बच्चे मरे, बाल मरे, मर्द मरे, सब इसमें का चारा ना भाग मरे। मगर भी ऑफिस तरफ स्ट्राइक बैठे तो भी 3 जन मरे सर, उधर बैठे जागे सस मरे, मगर भी नहीं ले रहे वो लोग परमिट। अभी भी इतना जन में आधा मरे तक, हम मरने तो मरने दे, हमारे बच्चे को तो सही होते। हम मरे तो मरे, इधर बैठ बैठ के हम मरने तो मरने दे सर, हमारे बच्चे को तो साल होते बोल के हम ये कर रहे सर। हमारे को ये सरकार परमिट देना, हम देने तक नहीं उड़ते सर। गुलबर्गा महानगर पालिका में 20 साल से मुसलसिल आउटसोर्सिंग और डेली वेजेस के हैसियत के ऊपर काम कर रहे 1000 लोगों में 477 जो लोग हैं कांता साहब के नेतृत्व में, वो कोर्ट के थ्रो जो कोर्ट ऑर्डर करे डेली वेजेस बोल के, और उसको एक बार 35 महीने का कंटिन्यूस काम करने के लिए तनख्वाह दिया गया, और दूसरी बार 52 महीने कंटिन्यूस करे बोलकर लेबर कोड 2 बार डेली वेजेस के पेमेंट कंटिन्यूएशन में दिए। और 2017 में जो स्ट्राइक हो गया गुलबर्गा में, तो उस स्ट्राइक में सभी लोगों को अरेस्ट करे, कांता साहब को मिलके, केंद्र मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे थे लेबर मिनिस्टर, उनको तकलीफ नहीं होना बोलकर कांता साहब को और लोगों को अरेस्ट करे। अरेस्ट करने के बाद इनको, आपको मालूम है, बेलगांव के हिंडलगा जेल में, रायचूर, बल्लारी, कई जेलों में ये लोगों के ऊपर 14 केस डाल के अलग अलग डाले। उसके बाद फिर यहाँ गुलबर्गा के जो लाइक माइंडेड है, जो इंटेलेक्चुअल है, मठाधीश, सभी लोग मिल के कांता साहब के मूवमेंट को सपोर्ट करके हम गुलबर्गा बंद करेंगे बोलने के बाद, फिर डिप्टी कमिश्नर गुलबर्गा सरकार और लेबर के बीच में बातचीत करने का जरिया निकाले। उस बातचीत में ये तय हुआ कि पूरे गुलबर्गा नहीं, पूरे सारे कर्नाटक में जितने भी डेली वेजेस है, योगाक्षेमा है, अलग अलग इसमें जो काम कर रहे कई दिनों से, तो सभी को
गुलबर्गा के साथ हम पौर कार्मिकों को रेगुलराइज करेंगे बोलकर कैबिनेट में डिसीजन हुआ। उसके तहत पूरे कर्नाटक में डेली वेजेस काम कर रहे लोगों को परमिट किया गया और गुलबर्गा में लोकल सियासत और करप्टेड जो माइंड रखने वाले ऑफिसर के चलते हुए यहाँ पर 2017 में ये रिक्रूटमेंट नहीं हुआ। देर करके दो साल के बाद जो नोटिफिकेशन हो के दो साल के बाद फिर गुलबर्गा में कुछ जो कोर्ट के तहत जो डेली वेजेस और 35 महीने का जो काम करे कंटिन्यूस बोल के पेमेंट लिए उस लेबर को अवॉइड करने का साजिश करके जो पैसा दिया उसको एडजस्ट करने के लिए यहाँ का जो वेरिफिकेशन कमेटी में जो मुनाब पटेल है और गुलबर्गा का पीडी है, डिप्टी कमिश्नर है, जो लोग भी जिम्मेदार थे वो जिम्मेदारी न निभा के कुछ लोगों को फेवर करने के लिए जो एलिजिबल लोग हैं उसको हटा के 132 लोगों को प्राविजनल लिस्ट डिक्लेयर करे कि आपको कायम परमिट करे वो कर। हमारा ऑब्जेक्शन था डिप्टी कमिश्नर ज्योतिष्णा मैडम को, फिर 300 लोग हम ऑब्जेक्शन करे आप जो करे वो गलत करे, लीगली नहीं है, हमको आप इंजस्टिस करे वो जस्टिफिकेशन करने के लिए हमारा कॉल फॉर ऑब्जेक्शन है, आप इसको कंसिडर करना बोलकर वो कंसिडर नहीं करने के बाद हम जो उस दिन का जो एडमिनिस्ट्रेटर एलवी प्रसाद और रीजनल कमिश्नर एलवी प्रसाद थे उनको हमने डिप्टी कमिश्नर और कॉरपोरेशन के खिलाफ एक कंप्लेंट दिए कि हमारा कॉल फॉर ऑब्जेक्शन जो है कंसिडर नहीं करे, लिहाजा आप इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए बोलकर उन्होंने हमारा एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करके सभी संबंधित लोगों को कॉरपोरेशन को, पीडी को, लेबर ऑफिसर को, डिप्टी कमिश्नर को नोटिस इशू करके ये जो जो हो गया गलती है इसके बारे में हम आपको इंक्वायरी करना है आप आइए बोलकर सभी को नोटिस करें। लेकिन डिप्टी कमिश्नर छोड़ के बाकी सब लोग आए और वहाँ के जो रीजनल कमिश्नर थे एलवी प्रसाद साहब, तो इसमें जो भी हो गया आप लोग ना डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे ना ही डिप्टी कमिश्नर आ रहे कि हम ये नतीजे पर पहुँचते ये दाखिला देखने के बाद, रिकॉर्ड देखने के बाद जो भी करे जो 100 के ऊपर लोग हैं वो पौर कार्मिक बोल के कहीं भी एंट्री नहीं है और उसका पीएफ नहीं है और काम करने का कोई रिकॉर्ड नहीं है, इसीलिए आप नहीं आ रहे। तो जो आप प्रिपेयर करे 132 का लिस्ट वो गलत है, वो करप्शन से और स्टेट का जो रेगुलेशन है, रूल्स है उसको नज़रअंदाज करते हुए जो एलिजिबल लोग हैं कोर्ट के थ्रू जो डेली वेजेस लोग हैं उसको दरकिनार करें, ये सब इससे मालूम होता है कि आप लोग इसमें कुछ ना कुछ दाल में काला है, लिहाजा ये जो लिस्ट प्रिपेयर करे वो प्रोविजनल लिस्ट हटा के फिर से आप कानूनी और डॉक्यूमेंट्री जो एलिजिबल कैंडिडेट है उसको आप करना और जितने भी ये इरेगुलरिटीज करे, जो गलतियाँ करे ऑफिसर, चाहे मुनाब पटेल हो, डिप्टी कमिश्नर हो, लेबर ऑफिसर हो या प्रोजेक्ट डायरेक्टर डिस्ट्रिक्ट अर्बन डेवलपमेंट सेल के हो, ये सभी के ऊपर कार्रवाई करना बोकर उस दौरान जो बीजेपी सरकार थे वो दो बार रिपोर्ट सबमिट करें। ये अंदर ही अंदर लोग जो पैसा दिए सो लोग इनको पीट लगने के बाद कुछ अंदर डीलिंग करके हमको एडजस्ट करते बोलकर ऐसा आश्वासन दे रहे। हमारा मांगे ये है कि जो प्रोविजन लिस्ट तैयार करने के लिए अंदर नज़रअंदाज करे जो साथ दिए मुनाब पटेल और डिप्टी कमिश्नर और पीडी, उसके ऊपर कानून कार्रवाई होना और सस्पेंड करना और बाकी सब जो एलिजिबल कैंडिडेट है जो 477 उसको रेगुलराइज करने के लिए हम आग्रह करते। जब तक हमारे हाथ में रेगुलराइजेशन का रेगुलर परमिट कॉपी नहीं आता ऑर्डर का तब तक हम यहाँ से उठने वाले नहीं और यहाँ जो मान्य जिला उस्तवारी सचिव है उनको हम आग्रह कर रहे कि आपका जो नीचे जो डिप्टी कमिश्नर है उसको मिसगाइड कर रहे हैं कॉरपोरेशन वाले, जो दाखला है वो नहीं दिखा रहे हैं, वो अपना करप्शन के काम छुपाने के लिए हम करे सो सही है बोल रहे कि ये ट्रांसपेरेंसी से हिसाब से काम होना है तो आप इसमें इंटरवेन होके जो एलिजिबल कैंडिडेट है, जो एलिजिबल पौर कार्मिक है उसको न्याय दिलाने के काम होना और जब तक आप इसके ऊपर गौर नहीं करेंगे, एक्शन नहीं लेंगे, हम कंटिन्यूस करेंगे। देर हुआ तो उसके लिए हम प्रोटेस्ट करेंगे। प्रोटेस्ट में जो भी नुकसान या अनटूवर्ड इंसिडेंट होता यहाँ का डिप्टी कमिश्नर
यहाँ का जो इंचार्ज मिनिस्टर है वो जिम्मेदार होंगे बोलकर हम ये मीडिया के थ्रू अपील कर रहे हैं। तीन साल से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं वर्दी जारी करो बोले तो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार नहीं कर रही, मगर हमारा लेबर डिपार्टमेंट और हाईकोर्ट और बोले तो हमारा आरसी सर का जो रिपोर्ट है तीनों हमारे फेवर में। हम चाह रहे हैं कि आग्रह कर रहे हैं कि 477 जो है उनको परमिट करना, जो 94 से काम कर रहे हैं अभी 2017 के टाइम पे जो आए हुए नए बच्चे हैं उनको परमिट कर रहे बोले तो ये अन्याय है। जो काम मेहनत कर रहे हैं गुलबर्गा स्वच्छता के लिए उनको न्याय मिलना, बल्कि हम यहाँ पे धरना कर रहे और हमारा जो डिमांड है होने तक हम इधर बैठेंगे। आप करे थे सर उस टाइम कर रहे जब हमारे को वर्दी जारी करेंगे बोल के हम आश्वासन दिए थे, मगर करके भी 1.5 साल के ऊपर हो गया, अभी भी कुछ भी कर रहे नहीं। और सरकार बदली होगा, आप सरकार बदली होगा अच्छा सरकार है बोल के बोलने का है तो अच्छा सरकार हमारे को न्याय देना बोल के हमारा आग्रह है सर। This video presented by Manur Multi Speciality Hospital, highly qualified and well experienced doctors team for emergency and trauma care 24/7 at Bali Hill Circle Ring Road, Gulbarga.